निगम भिलाई आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम क्षेत्र में बरसात के मौसम में बाढ़ की स्थिति से निपटने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक कर किए जा रहे उपायों की जानकारी ली, साथ ही शहर भर के नाले नालियों को कब्जा मुक्त करने के आदेश दिए, जहां से बरसात के पानी की निकासी बाधित हो सकती है। आयुक्त ने सख्त शब्दों में अधिकारियों से कहा कि जो भी अवैध निर्माण शहर में है उन्हें ध्वस्त किया जाए एवं जो लोग नालियों के समीप अपना मलबा जमा कर रख रहे हैं उन पर जुर्माना लगाकर मलबे को जब्त की कार्रवाई की जाए, जिससे इस वर्ष शहर में कहीं भी बरसात में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए जो है वो निगम प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अब मानसून अभी प्रारंभ हो चुका है और इससे पहले ही जो इसमें जो टीम नियुक्ति करनी है कि कौन सा काम जो है आपदा प्रबंधन के वक्त में कौन से अधिकारी करेंगे, कौन से कर्मचारी करेंगे, चाहे वाहन संसाधन उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे स्वच्छता कर्मचारी टीम की बात हो, चाहे जेसीबी हो, डंपर हो, सारे जो संसाधन ऐसे हैं जो आपदा प्रबंधन के समय में जो जरूरत पड़ती है उनके लिए जो है सारी तैयारी हमने कर ली है। इसके अलावा हमने कंट्रोल रूम भी बना लिया है, तो अधिकारियों की नियुक्ति माननीय आयुक्त महोदय ने कर दी है और माननीय महापौर जी के निर्देश पर जो है जो हमारी टीम है वो सभी टीम जो है निगम की वो अलर्ट है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी संभावनाएं हम लोग लेके चल रहे हैं कि आपदा प्रबंधन में कभी किसी की जो झोपड़ी है वो गिर सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके लिए जो स्थायी तौर पर भवन का जो इंतजाम है वो भी करने की प्लानिंग है। मतलब तमाम सारे ऐसे जो चीज़ें हैं जैसे पानी निकासी तत्काल करना, तो टीम हमारी जो अलर्ट रहेगी, सभी के अधिकारी कर्मचारियों को मोबाइल जो है सदैव चालू रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, इस प्रकार से तमाम तैयारियां जो है आपदा प्रबंधन को लेकर निगम प्रशासन ने कर रखी है।